जगत है ही नहीं, उसका अनुभव आत्मा को होता है या अहंकार को होता है? जगत है ही नहीं, जैसे सपना दिख रहा है उस समय सपना है, ये जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता। जब सपने से उठते हैं तो लगता है कि सपने का जगत नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मदेव में ठीक से जगते हैं तो फिर जगत की सत्यता नहीं दिखती, तो बोले जगत नहीं है। तो जगत नहीं है ऐसा बोलने से तो कोई गरम चिमटा लगा के तो समय तो दुख होगा, लेकिन दुख होता है तो जो जिसको दुख होता है वो भी वास्तव में नहीं है, सदा नहीं है। तो जो सदा है उसमें स्थिति करके समझाने के लिए बोला जाता है जगत नहीं है। तो वो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभासिक सत्ता, और तीसरी होती है वास्तविक सत्ता। जैसे आप हम अभी बैठे हैं ये व्यवहारिक सत्ता है। अब जगत नहीं है तो बापूजी क्यों बोलते हो, सत्संग में क्या आ रहे हैं, नहीं कैसे है? तो व्यवहारिक सत्ता में जगत है। दूसरा प्रतिभासिक, जैसे सपने में दिखा तो उस समय तो सच्चा लगा लेकिन आंख खुली तो नहीं। और तीसरा है वास्तविक सत्ता, इस समय भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, सपने में भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, और ये दोनों नहीं है फिर भी जो वास्तविक सत्ता है उसमें टिक के बोलो तो जगत है नहीं। न सपना है, न जागृत है, न गहरी नींद है, तीनों आ आ के चले जाते, फिर भी जो रहता है वो सच्चिदानंद है, जगत है ही नहीं। तो अपनी अपनी नजरिया से वो नहीं है और अपनी अपनी नजरिया से है, ठीक है।